मेरी आवाज आने लगी सभी के पास, स्टार्ट करें। ये बल्ब बंद कर दो, क्यों चलाए जबरदस्ती? ऊपर की बटन। देखो, इंग्लिश में आज अपने को लगभग 25 से 28 क्वेश्चन करने को मिलेंगे फिर से, और हमें इन्हें समझना होगा अच्छे से, ठीक? क्योंकि अब कुछ ही सेट बचे हैं जिनको अपने को सॉल्व करना है। तो इसमें ये एक और महत्वपूर्ण सेट आपके लिए, देखिए क्या कहता है। इसमें कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, अपने को सर्वोचित डिटरमाइनर यहां पर भरना है। क्या दिया गया है? एप्पल्स आर रोटेन इन द बास्केट, दो खालिस्तान ऑफ देम आर राइप एंड डिलीशियस, ठीक ना? मतलब किसी ने एप्पल को छांट करके और कहां पर रखा है? टोकरी में, ठीक है? और बताया गया उसमें से ज्यादातर जो है वो स्वादिष्ट है। ज्यादातर कैसे हैं? स्वादिष्ट हैं। तो मोस्ट ऑफ देम, एप्पल को अपन गिन सकते हैं, इसलिए अपन यहां पर क्या लगाएंगे? मोस्ट लगाएंगे। मोस्ट ऑफ देम आर राइप एंड डिलीशियस, तो सेकंड में मोस्ट आ रहा है तो सीधी सी बात है क्या लगेगा? ऑफ यू। वैसे भी हम बास्केट में उतने ही रखेंगे जैसे कहीं हम सामान लेने के लिए जाएं, बास्केट हमें दी जाती है, उसमें कोई भी चीज उतनी ही रखेंगे जितनी हमें कम ना पड़े और ना ज्यादा पड़े। तो इसलिए यहां पर क्या लगना चाहिए? ऑफ यू भी लगना चाहिए। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या आएगा? पहला, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज कैन बी अ वेरी खालिस्तान एक्टिविटी एज लॉन्ग एज यू डू नॉट ओवरडो इट। तो एक्सरसाइज कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल, ठीक है ना? इसमें बेनिफिशियल दिया है, बेनिफिटेड दिया है, बेनिफिटेड दिया गया है स्पेलिंग गलत करके, और बेनिफिट दिया गया है। तो बेनिफिट मतलब फायदा और बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद। तो यहां पर आएगा एक्सरसाइज कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल, व्यायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना? एक्टिविटी एज लॉन्ग एज यू डू नॉट ओवरडो इट, यदि तुम इसे ज्यादा नहीं करते हो। जैसे कुछ लोग जिम में जाके बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना? बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कई बार उन लोगों की नसें खिंच जाती हैं, कई बार बीमार पड़ जाते हैं, कई बार वहां अटैक आ जाता है उनको, ठीक है ना? और नहीं भी आता है, हर किसी को नहीं आता, नहीं भी आता है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, वो जल्दी ही अपने स्वास्थ्य से बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि लाइफ टाइम कोई आदमी इतना तो नहीं कर सकता, जब तक युवा है तब तक कर सकता है, लेकिन आपकी नसों को आदत हो जाएगी, इसलिए ओवरडो जो ज्यादा नहीं करता तो फिर वो वृद्धावस्था के समय बहुत ज्यादा हानि देता है यदि आपने उस समय नहीं किया तो, ठीक है ना? तो ये आएगा बेनिफिशियल, एक्सरसाइज कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल, व्यायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना? एक मतलब व्यायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद क्रिया है, एज लॉन्ग एज जब तक यू डू नॉट ओवरडो इट, जब तक तुम इसे ज्यादा नहीं करते हो, ठीक है ना? जितना चाहिए, जैसे प्रतिदिन के व्यायाम के लिए 30 मिनट बहुत ज्यादा है, 30 मिनट आपने कर लिए मतलब दिन भर का हो गया व्यायाम। आ रही बात समझ में? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। शी खालिस्तान फॉर द मूवी इफ शी कंप्लीट हर होमवर्क क्विकली। इस वाक्य में कहा गया है यदि वो अपना गृह कार्य जल्दी कर लेती तो फिर वो मूवी जा सकती है। तो मूवी जा सकती है, तो जा सकती है मतलब या तो ये आएगा, क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए कैन गो, गोज नहीं। गोज तब आता जब यहां पर कैन नहीं होता, लेकिन एक्सिलरी वर्ब है, वर्ब के साथ कैसे आ जाएगा? यस कैसे लग जाएगा भाई? जहां सहायक क्रिया नहीं होती, जहां वर्ब नहीं होती, वहां थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? एस या ईएस। बट वहां पर तो क्या लगा हुआ है? एक्सिलरी वर्ब है कैन, तो उसके साथ एस या ईएस थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए राइट आंसर जो है वो आएगा कैन गो। ज्यादातर लोग किसको चुनते? इसको चुनते, कैन गोज,
किसी के साथ वो लगेगा, लेकिन ये भी तो देखो एक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है वहां पर, तो इसलिए वहां पर कैन के साथ क्या आएगा, गो। खालिस्तान नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ खालिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स पार्टी प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन, यहां तो द आएगा, ये तो कंफर्म है, इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड कप कैन ओनली डैमेजिंग द द रेपुटेशन रेपुटेशन ऑफ ऑफ आ कंट्री। अब सब में ए दिया है तो मजबूरी में क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, लेकिन ए के पहले दो बार क्या आ रहा है, द आ रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसका अर्थ मैं बता दूं, द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, ठीक है ना, बेकार रवैया, जिस कप्तान ने कहा ऐसा खेलो वो खेल नहीं रहा, वो अपने हिसाब से खेल रहा है, ठीक है ना, कप्तान कहला चलो एक्सरसाइज करने चले, नहीं जाना है, पढ़े हैं तो पढ़े, किसी ने कुछ कहा उल्टा सीधा जवाब दे देना, तो ये कहलाया नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट के खिलाड़ियों का बेकार रवैया पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कैन ओनली डैमेज द रेपुटेशन, ठीक है ना, ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना, वो केवल एक देश की रेपुटेशन को क्या करेगा, खराब करेगा, ठीक है ना, जब आप वर्ल्ड कप खेलोगे और आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो क्या कहेगा, किस देश का है, तो इससे देश की रेपुटेशन खराब होगी, तो यहां पर सीधी सी बात है डा लगेगा, ठीक है, तो ये लाइन से आ गया, ठीक है ना, तो यहां पर मैंने दो जगह डा लगाए और लास्ट में ए था तो मैंने ए लगाया, ए के पहले दो बार था तो मुझे मेरा आंसर मिल गया, ठीक है कि नहीं, इतने सारे आर्टिकल एक साथ मायने रखता है, एक दो तीन चार पांच आर्टिकल एक साथ, इसलिए 2019 का पेपर इंग्लिश सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया है। क्या दिया गया है, एक और आर्टिकल, नाइदर नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, अब देखो यहां पर क्या है, ईएस लगा है, कैंडिडेट्स बहुवचन, तो बहुवचन है तो एन लगेगा क्या, ए लगेगा क्या, ए लगेगा क्या, सीधी बात आ जाएगा क्योंकि बहुवचन है, एक वचन के साथ ए और एन लगता है, तो नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वोर क्लोथ्स विच वॉज सूटेबल फॉर इंटरव्यू, किसी भी लड़के ने ऐसे कपड़े नहीं पहने जो इंटरव्यू के लिए लगते हो कि इंटरव्यू में जा रहे हो, जैसे रहता है ना कई बार आपने देखा होगा यूपीएससी में जब इंटरव्यू देने जाते हैं पूरा ड्रेस कोड रहता है उनका जो लोगों को पसंद आए, ठीक है ना, उनको लगे कि हाँ यार इसने सारी चीजों का ध्यान रखा है, बातों के साथ कपड़ों का भी ध्यान रखा है, तो आपका ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है किसी भी जगह के लिए, ठीक है नहीं, तो नाइदर नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वोर क्लोथ्स विच वॉज सूटेबल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, किसी भी लड़के ने ऐसे कपड़े पहने ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं जो इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू मतलब जानते हो हिंदी में साक्षात्कार, ठीक है ना, तो इंटरव्यू के लिए उचित हो, देखिए इसमें आएगा सबसे पहली बात तो क्या लगा हुआ, देन, देन के साथ मोर लगेगा तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, अच्छा आफ्टर मोर देन थ्री इयर्स, अधिकतम तीन साल के बाद, द कंपनी हैज डिसाइडेड, सॉरी अ कंपनी हैज डिसाइडेड, अ कंपनी और द कंपनी, द आना चाहिए, द कंपनी हैज डिसाइडेड, क्योंकि कंपनी जो है
वो एक इंडस्ट्रियल एरिया हो गया तो द लगाना चाहिए। द कंपनी हैज डिसाइडेड, कंपनी ने निश्चित किया टू रेज द सैलरी, कि वो तनख्वाह बढ़ाएगी ऑफ ऑफ ईच और एवरी। तो वहां कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों में हर एक की एवरी, तो यहां पर आ जाएगा एवरी। ठीक है, तो सेकंड नंबर सही है, मोर द और एवरी सेकंड नंबर सही है। ये यहां पर मार खा गए और यहां एनी और क्या लग गया, मैनी, ये भी गलती है। ठीक है ना, जबकि किसी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर एक की सैलरी बढ़ाएगी, तो या तो ईच और एवरी में से चुनना था, इसने क्या दे दिया, एनी और मैनी। ईच और एवरी में बच्चा कंफ्यूज होता, इसमें तो कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। नीचे उत्तर भी दिया, दुर्भाग्य, जल्दी जल्दी में यही होता है। कंपाउंड सेंटेंस, अब ये दो तीन बार से हमें बहुत मिलता हो गया है ना, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एक करेक्ट कनेक्टर होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द रेन वी प्लेड द मैच, वर्षा रुकने के बाद हम मैच खेलेंगे, हमने मैच खेला। वन मस्ट लव वंस कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू विन द मैच, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए मैच जीतने के लिए। माई फ्रेंड हैज लेफ्ट द कंट्री एंड, ये आ गया, क्या लगा है, एंड लगा है, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। माई फ्रेंड हैज लेफ्ट द कंट्री, मेरे दोस्त ने देश छोड़ दिया, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, और इसके लिए मुझे पक्का है। ठीक है, पैसिव वॉइस देखना है अपने को। क्राउस, क्राउस कहना चाहिए, क्या होता है क्राउस, मतलब क्राउस मतलब कौए, क्राउस यूज स्टिक्स, कौए लकड़ियों का उपयोग करते हैं। टू प्री पीनट्स, मूंगफली को निकालने के लिए। आउट ऑफ क्रैक्स, दरारों से मूंगफली को निकालने के लिए कौए लकड़ियों का प्रयोग, मतलब कड़ियों का प्रयोग करते। अब वो कैसे करते हैं वो जाने, अपने को नहीं पता। ठीक है ना, अब देखना यहां पर, ये कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल। क्राउस यूज स्टिक्स, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा स्टिक्स पहले, और स्टिक्स के साथ क्या लग जाएगा, आर, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, आर, आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज्ड बाय क्राउस और टू, ये पूरा आ गया, ये अदर वर्ड है, ये अन्य शब्द है, ये ज्यों का त्यों जाके लास्ट में लग जाएगा या फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लग जाएगा। तो ये आ गया स्टिक्स पहले, प्रेजेंट सिंपल था तो लग गया आर, यूज का थर्ड फॉर्म हो गया यूज्ड बाय क्राउस, कंप्लीट हो गया, और ये उसको उठा के उसने लास्ट में ज्यों का त्यों लिख दिया, टू प्री पीनट्स आउट ऑफ द क्रैक्स, राइट आंसर ये। ये क्यों गलत हो गया, सहायक क्रिया का ध्यान नहीं रखा इसने। ये क्यों गलत हो गया, अन्य शब्द को पहले पटक दिया इसने उठा के, उनके साथ ये लगा दिया। ये क्यों गलत हो गया, बींग यूज कर लिया इसने, ठीक है कि नहीं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म, ठीक है, ये दिया गया है।
मैनी रिलीजियन अपोनेंट, कई धर्म विरोधी लोग, हाँ भाई ब्लर दिख रहा है, आप देख के बताओ। अब सही है क्या? हाँ, मैनी रिलीजियन अपोनेंट, कई धर्म विरोधी लोगों ने कंडेम्ड, बहुत ज्यादा विरोध किया चार्ल्स डार्विन्स वर्क, चार्ल डार्विन के द्वारा किए गए कार्यों का। ठीक है, अब यहां पर ये इकट्ठा करता है मैनी रिलीजियन अपोनेंट्स, कई धर्म विरोधी लोग, फिर ये सेकंड फॉर्म दिया गया पास्ट सिंपल, कंडेम्ड का कंडेम्ड कर दिया उसने सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ये करता है, सॉरी कर्म है चार्ल्स डार्विन्स वर्क। तो क्या होगा? सबसे पहले तो चार्ल्स डार्विन वर्क जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, सभी में दिया गया है, सभी में दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये पास्ट सिंपल है तो लगना चाहिए वाज, तो ये वाज लगा लेकिन बीइंग के कारण गलत हो गया, ये हैज बीन के कारण गलत हो गया, और ये वाज अकेला दिया सही है, और ये हैड बीन के कारण गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, नहीं पहली बात तुमको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए, जब हिंदी अर्थ तुमको पता होगा तब तुम ये कर पाओगे, मतलब तुमको ये देखना चाहिए यार, ये करता, ये क्रिया, ये कर्म, ये देखना चाहिए पहले। हिंदी अर्थ से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, कौन सा इंग्लिश मीडियम से सीख के जा रहे हैं अपन। अब ये इसमें क्या ऑप्शन नहीं आए, जिसको मैंने फोटो खींचने के लिए दिया था उसने इसके उत्तर गायब कर दिए। ठीक है, तो बड़ी दुखद बात है इसके लिए। तो मैं तुमको बता दूं, यहां पर द न्यू गर्ल इज, इसको भी इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। द न्यू गर्ल इज, नई लड़की है मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा होशियार देन सम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, और दूसरे लड़कों की अपेक्षा। ये काय में है? कंपरेटिव में है, ठीक है ना, कंपरेटिव में है। ठीक है, सम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास इज नॉट एस इंटेलिजेंट एज द न्यू गर्ल, ये बनना चाहिए इसका। इसके ऑप्शन देख लेना, सम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास के कुछ और छात्र या क्लास के कुछ छात्र, ठीक है ना, इज नॉट, नहीं है एस उतने इंटेलिजेंट, होशियार एस जितनी द न्यू गर्ल, जितनी वो नई लड़की। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, और इसके ऑप्शन आप मिला लेना, ठीक है ना, उसको मैच कर लेना। तो यहां से ये मैंने उठा दिया और ले आया फर्स्ट में और लिख दिया इज नॉट, नहीं है ये लड़के, नहीं है उतने होशियार जितनी वो नई लड़की। सही बात है कि नहीं?
सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना। देखो क्या लिखा है, लेड इज हैवियर, लेड बहुत भारी है देन एनी अदर मेटल किसी भी धातु की तुलना में या कोई भी धातु की अपेक्षा। तो इसका मतलब सुपरलेटिव मतलब देख लो आप, लेड इज फिर लगेगा द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द मेटल, ये आ गया ऑफ ऑल मेटल, ठीक है ना, ऑल द लग जाता तो और अच्छा था। ये नो अदर से शुरुआत किया है गलत है, पॉजिटिव है ये, ठीक है ना, ये लेस बोला है गलत है। ऑल मेटल्स मतलब इसमें वो यूज नहीं किया, ये वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है ना, द के साथ, तो द के साथ लगा नहीं, ठीक है। और ये भी गलत है क्योंकि क्या लगा हुआ है जो सुपरलेटिव में नहीं लगता है, ठीक है ना। इनकी स्क्रीन क्यों उड़ गई?